महाभारत में विराट नगर के नाम से प्रसिद्ध चिनाव नदी के तट पर स्थित सुंदर शहर अखनूर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय आशा दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1956 में पंजाब के पठानकोट शहर में हुआ। बचपन से ही आपको पढ़ाई और समाज सेवा का बेहद शौक था। अपने शांत और मिलनसार स्वभाव के कारण आप सबके प्रिय थे। आपको 1968 में पठानकोट सेवा केंद्र पर ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। दैवी परिवार के निस्वार्थ प्रेम और अलौकिक वातावरण से आकर्षित होकर सन 1976 में आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित कर दिया। बाप दादा व दादियों का विशेष वरदान प्राप्त कर आपने 1977 से पठानकोट, जम्मू, दिल्ली, अनंतनाग, श्रीनगर एवं उधमपुर में अपनी सेवाएं देते हुए 1984 से आप अखनूर की विशेष सेवाओं में तत्पर हैं। समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए आपने अनेकानेक कार्यक्रम जैसे युवा पदयात्रा, देवियों की झांकियां, शिक्षा अभियान, तनाव मुक्ति शिविर, विश्व शांति मेला आदि का आयोजन किया। वर्तमान समय एक सेवा केंद्र, एक उप सेवा केंद्र तथा 5 गीता पाठशालाओं में 5,000 से भी अधिक विद्यार्थी आपके सानिध्य में प्रभु पालना की अनुभूति कर रहे हैं। मेरा जन्म पंजाब पठानकोट में हुआ था और बचपन से ही मुझे जो है वो आध्यात्मिक रुचि थी और मेरे माता पिता बहुत संस्कारी थे और उनके साथ हमें भी भक्ति करना चाहे पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मेरी धारणा बचपन से ही थी कि मैं कोई ऐसी समाज सेवा करूं, परंतु मुझे ये भी मालूम नहीं था कि समाज सेवा क्या होती है। वो आंतरिक आवाज़ थी कि जो मैं उस आवाज़ को सुन सकी और उसको जान सकी और उसको पहचान सकी। तो मेरा बचपन ही ऐसा था कि जो बहुत समाज सेवा की तौर बढ़ता गया और धीरे धीरे जो है वो मेरे अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति का जो है वो संचार होता गया और उसको मैंने जाना और पहचाना और उसके ऊपर अमल किया। हमारे लौकिक मामा जी थे वो जो ज्ञान में चले और उन्होंने हम सबको जो है वो ज्ञान में प्रेरणा दी और उस प्रेरणा के आधार पर हमें भी यही हुआ कि हमें भी ऐसा जीवन बनाना है। तो पहले तो हम जो है वो ज्ञान में आए, ज्ञान में कुछ समझ आई और उसके साथ साथ जैसे हम लोगों से सुनते थे कि ये ब्रह्मा कुमारी संस्था ऐसी है, चाहे भगा के ले जाती है, ऐसे करती है, तो कुछ ऐसी भावना थी जो थोड़ा सा हमारे अंदर हीन भावना आती थी। और मैंने 77 में जो है वो एक आध्यात्मिक मेला देखा था विश्व नव निर्माण चंडीगढ़ में और उसमें मुझे 15 दिन सौभाग्य मिला सेवा करने का और बहुत सारी बहनों का जीवन जब मैंने देखा कि ये जीवन जो है वो कितना अच्छा जीवन है और उस जीवन को साथ रख करके मैंने भी अपना जीवन जो है वो एक सेवा में लगाने के लिए संकल्प किया। मुझे छोटी सी एक बात याद आती है, अचल बहन जी पठानकोट में आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि बहुत सारे बाबा के बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने आप को प्रत्यक्ष करना नहीं चाहते हैं, शायद उसमें मैं भी एक थी। जैसे मैं सुनती थी कि ब्रह्मा कुमारियों के लिए ऐसे बोलते हैं, जब हम आश्रम में क्लास करने के लिए जाते थे तो जैसे ही क्लास करने के लिए जाएंगे तो कोई ना कोई कहता था ब्रह्मा कुमारी जा रही। बहुत अंदर हीन भावना आती थी कि ये क्या कहते हैं, जैसे गाली देते हैं। लेकिन अचल बहन जी ने क्लास करवाई कि जो बाबा के बच्चे अपने आप को प्रत्यक्ष नहीं करेंगे तो बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे। वो मेरे अंदर एक भावना बैठ गई, चाहे मेरे अंदर एक शक्ति का संचार हो गया। मैंने उस बात को ऐसे फील किया कि जैसे वो मेरे लिए ही है। तो उन्होंने जैसे ही कहा कि जो बाबा के बच्चे प्रत्यक्ष नहीं होंगे तो बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे, तो मैंने उस दिन ये दृढ़ संकल्प किया कि आज से लेकर मैं बाबा को अपने आप को भी प्रत्यक्ष करूंगी और बाबा का नाम भी रोशन करूंगी, वाला करूंगी। तो उस दिन से ही आज तक बाबा को जो है वो मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और सेवा के लिए और दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो अपने जीवन में मैंने अनुभव की। बहुत सारे भाई बहनों का सहयोग मुझे मिला। जैसे मान लीजिए कि
गुलजार दादी के साथ भी कुछ दिन हमारा रहने का सौभाग्य मिला तो बहुत सारी प्रेरणा उनसे जो है वो मुझे मिली और उनके जीवन से जो है वो मुझे जो भी उनकी धारणा थी, प्रेरणा थी, वो एक शक्ति का रूप लेके मुझे भी वही फीलिंग आती थी। गुलजार दादी से हमने जैसे अंतर्मुखता का पाठ सीखा, बहुत अंतर्मुखी रहते थे हम, तो बहुत छोटे थे उस समय, इतनी बातों का अनुभव नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैंने उनको देखा कि बहुत गंभीरता से जैसे वो रहते थे, चलते थे, बोलते थे, देखते थे, उनका बोलना बहुत स्वीट था जो बिल्कुल एक प्रेरणादायी था। गुलजार दादी से मुझे जो है वो बहुत अच्छी प्रेरणा मिली, और एक तो उनका बहुत जैसे बहुत गहन मुद्रा में रहते थे और बहुत जैसे लगता था कि खोए होते हैं, तो मुझे भी ऐसे लगा कि मुझे भी इन जैसा बनना है और मुझे भी यही लक्ष्य लेकर जो है वो चलना है। एक बार जो है वो उनके साथ मेरी बात हुई और हम दोनों रात को एक रूम में थे, तो रात को बहुत तूफान आया और दादी सोए, बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे, और मैंने जो है वो खिड़कियां बंद की, फिर जो है वो खोल भी दी, तो दादी को जब सुबह क्लास में बताया गया कि दादी बहुत क्लास में मतलब रात को तूफान आया था, और दादी कहने लगी मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, तो मैंने तो देखा ही नहीं है तूफान, और खिड़कियां भी खुली थी, तो मैंने कहा दादी मैंने रात को खिड़कियां बंद की थी और फिर मैंने खोल दी, तो दादी ने जैसे एक बहुत प्रेरणा भरी शब्द दी कि बालकी तुम कितनी छोटी हो और तुम कितना ध्यान रखती हो, तो मैंने तो कोई ऐसा ध्यान नहीं रखा था, लेकिन नेचुरल वो मेरा भाव स्वभाव संस्कार था जिसके अनुसार जो है वो मैंने वो कर्म किया। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों से दादियों से बहुत हमको प्रेरणा मिलती थी। एक बार की बात है कि दादी मधुवन में गए हुए थे, और मधुवन में जैसे मैं दादी के कमरे में गई तो अपने मनोहर दादी बैठे हुए थे, तो मैंने दरवाजे से खिड़की से देख के वापस आ गई, तो दादी कहने लगी मुठी तुम मेरे पास 3 दिन हुआ आए हुए, तुम आई नहीं। तो मैंने कहा दादी मैंने आई तो थी, गुलजार अपने मनोहर दादी आपके साथ बैठे हुए थे इसलिए मैं वापस करके चली गई, तो दादी कहती कोई भी बैठा हुआ था आप मुठी शक्ल तो दिखा के जाती। तो ऐसे ही जब दादियों से हमारे पे इतना विश्वास, इतना फेथ था, चाहे इतना उनको विश्वास होते हुए हमें जो है वो कैसे वो आगे बढ़ाती हैं, कैसे वो शक्तिशाली हमको बनाती हैं, तो उससे हमको बहुत प्रेरणा मिलती थी। चाहे हम छोटे थे, दादी बड़ी थी, लेकिन दादी ने हमको हमेशा जैसे आगे बढ़ाया। छोटे होते हुए भी वो यही कहते थे कि आशा तेरे में मुझे बहुत होप है, मुझे बहुत विश्वास है, मैं तुझे बहुत आगे देखना चाहती हूँ। दादी के जो है ऐसे शब्द, ऐसे बोल जो है एकदम दिल को छूने वाले होते थे, शक्ति का काम करते थे, तो वही शक्ति आज हमारे सामने है और वही शक्ति लेकर हम जो है वो आगे बढ़ते थे। एक बार दादी के साथ हम बठिंडा में सेवा के लिए गए हुए थे और 15 दिन जो है वो वहां रहने का सौभाग्य मिला, तो जैसे ही दादी वहां सुबह क्लास करवाती थी, उस समय हमको ऐसा फील नहीं होता था कि ये दादियां बहुत बड़ी हैं, जैसे दादी हमको यही कहते हैं कि तुम हमारी सखियां हो, तुम हमारी बहनें हो, तुम हमारी बेटियां हो, तो ऐसे दादियों के वो शब्द होते थे जो एकदम परिवार की तरह फीलिंग जो है वो आती थी, और वो परिवार की फीलिंग ही आज हमको इस मुकाम तक जो है वो लेकर
पहुंची है। और दादी के साथ गुरु वहां मुझे जाने का सौभाग्य मिला था कुल्लू में, तो ऐसे लगता था कि हम मतलब दादी के हम जिन्स हैं, और दादी कैसे हमारे साथ बहुत होमली होकर बात करती थी, मीठी मीठी सखियों की तरह बात करती थी, और यही समझती थी तुम तो हमारी हो, तुम तो सखियां हो, तुम तो ऐसे हो। तो वो शब्द दादी के एकदम जैसे तीर की तरह लगते थे, और हम अपने जीवन को मतलब इसी संकल्प को लेकर के जो है वो आज इस संस्था के अंदर हम कार्य कर रहे हैं। ओमनास बाबा ने खोला तो भी लोग बहुत पिकेटिंग करने लगे। तो एक बारी ओमनास में जितनी भी कुमारियां रहती थी तो उनके पेरेंट्स आते थे, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सरेंडर किया, तो सरेंडर किया तो बच्चे हॉस्टल में रहते थे, ज्ञान की पालना होती थी, बच्चे तो बहुत सुंदर इतने अच्छे मीठे मीठे लगते थे, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे तोतली तोतली भाषा में ज्ञान सुनाते थे, तो कलेक्टर जज वगैरह जो भी आते थे स्कूल देखने वो खुश होकर जाते थे। तो बड़े आदमी तो खुश हो गए, पर जिनके घरों में ये विकारों की आग लगी वो तो शांत न रहे। तो फिर रोज बच्चियां सैर करने जाती थी, तो सैर करते करते उसी समय ही शहर के अंदर ये वातावरण हो गया कि जैसे ये सैर करने जाए ना तो हम सारे उस भवन को घेराव डाल देंगे। तो सब के सब हम गए सैर करने, वो सब हमारे बहुत बड़ा बंगला था ओम निवास, बड़ी बिल्डिंग थी, उसके चारों और सब लोग खड़े हो गए। मधुबन में 77 में पहली बार मधुबन में बाबा से अव्यक्त बाबा से मिलन जो है वो हुआ था, तो उस समय तो मुझे इतनी समझ नहीं आई थी, लेकिन धीरे धीरे 88 में मैंने बाबा 80 में बाबा को जो है वो मिली, और उस समय बाबा ने जो है वो एक वरदान दिया था। बाबा ने यही कहा कि बच्ची तुम शेरनी हो, तो वो एकदम जो वरदान था वो मुझे ऐसे लगा कि बाबा मुझे शेरनी कह रहा है। जैसे हमने सुना था कि चंद्रबन दादी को बाबा जो है वो हमेशा जैसे शेरे पंजाब कहता था, और बाबा ने जब मुझे ये कहा कि तुम तो शेरनी शक्ति हो, कोई भी परिस्थिति आए तुम उसको पार करती जाओगी, तो वो बाबा का वरदान आज भी मेरे साथ है। परिस्थिति आई है लेकिन जैसे बाबा कहते सूली से कांटा बन जाएगी, वो मेरे सामने ऐसे हुआ है। तो जैसे ही बाबा का वरदान मेरे सामने है तो बाबा की शक्ति का मुझे जो है वो फुल अनुभव होता है, और ऐसे लगता है कि बाबा का हाथ और साथ मेरे सिर पे है। तो एक दिन क्या हुआ कि गीता बहन जी मुझे कहने लगी, आज बहन तुझे जो है वो भोग बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा बहन जी मैं बनाऊंगी। तो 12-13 केजी दूध था जिसका मुझे भोग बनाना था, और बहुत प्यार से बाबा का मैंने भोग बनाया, और वो उसको भोग को जो है जैसे ही भाई बहनों ने खाया मतलब खीर खाई तो सब कहने लगे आज किसने भोग बनाया हुआ है। तो गीता बहन जी कहने लगी आज छोटी बहन ने जो है वो भोग बनाया हुआ है, और भाई बहन कहने लगे आज हमने पहली बार ऐसी जिंदगी में खीर खाई है, कभी हमने नहीं खाई है। एक बार जो है वो मुझे संकल्प आता था कि बाबा भोग खाता है चाहे नहीं खाता है, जी मेरी अपनी धारणा थी, तो मैं सबको यही कहती थी कि हम खुद बनाते हैं और खुद ही खाते हैं, तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो मुझे याद है कि मैं दिल्ली में ही थी, तो अचानक मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, गुरुवार का दिन था, तो मोहिनी बहन कहने लगी कि आज इसको जो है वो भोग में बिठाओ। तो मैंने कहा मैं तो भोग में कैसे बैठूंगी, योग तो करवाती थी लेकिन भोग के लिए मैं कभी नहीं बैठी थी। तो गीता बहन जी भी भोग में बैठे और मुझे भी उन्होंने बिठाया, गीता बहन जी तो ध्यान में चले गए लेकिन मैं तो वहां योग करवाती रही और देखती रही सब भाई बहन कैसे बैठे हुए हैं। मुझे ऐसे लगा कि गीता बहन जी नीचे आए और मुझे झटका लगा और मैं बाबा के पास वतन में बैठ के जो है वो बाबा के साथ भोग स्वीकार कर रही हूँ। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे जैसे हम टेबल रखते हैं भोग रखते हैं, तो वो रखा हुआ था और उस भोग के चारों तरफ ऐसे लगा कि कोई लाइट एक ट्यूब लाइट की तरह जो है वो घूम रही है। एक बार दो बार तीन बार ऐसे वो चक्कर लगा के चली गई। चौथी बार ब्रह्मा बाबा जो है वो मेरे सामने आए और ब्रह्मा बाबा ने पूछा बेटी ये क्या है। तो मैंने कहा बाबा मुझे तो पता नहीं चला क्या है। जो लाइट थी वो बाबा के मस्तक में समा गई और वो भोग जो है वो बाबा ने चम्मच उठाया और भोग जो है वो खाया और भोग स्वीकार किया। मेरे मन में इतनी खुशी हुई कि जो मेरा संकल्प था कि बाबा भोग नहीं खाते हैं, तो बाबा ने मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया कि बाबा कैसे भोग खाते हैं। और तब से मेरी ऐसी धारणा है
कि बाबा को कितना प्यार से व दिल से जो है वो भोग लगवाना चाहिए, बाबा को स्वीकार करवाना चाहिए। तो वो तब से मेरी भावना जो है वो इतनी बाबा के प्रति ऑनेस्ट है कि बाबा को जो भी हमने भोग लगाना है बहुत प्यार से जो है वो बाबा को भोग स्वीकार करवाना है। तो तब से मेरी धारणा बन गई हुई है बाबा भोग खाता है और हमको उतनी ही श्रद्धा उतनी ही भावना से बाबा को भोग स्वीकार करवाना है। एक बार का संकल्प है कि मुझे जो संकल्प आता था कि बाबा जैसे कहते हैं कि बच्चे तुम तन मन धन से सेवा करो, तो मुझे यही संकल्प आता था, हमने तन तो लगा दिया, मन तो लगा दिया, धन तो हमारे पास है ही नहीं है, हम धन कहाँ से लगाएंगे। तो ये संकल्प मेरे मन को बार बार जो है वो डिस्टर्ब करता था। बाबा के कमरे में बैठी हुई थी, बाबा को याद कर रही थी, और जैसे ही मैं बाबा को याद कर रही थी तो बाबा ने मुझे एक छोटा सा दृश्य दिखाया जिसमें तीन बर्तन थे, एक ही जैसे बहुत सुंदर बर्तन थे, ढके हुए थे, और एक बाबा ने कहा बच्ची इस बर्तन का ढक्कन उठाओ। तो जैसे मैंने ढक्कन उठाया तो उसमें दूध था, दूसरे बर्तन का ढक्कन उठाया तो उसमें दही था, और तीसरे बर्तन का ढक्कन उठाया तो उसमें मक्खन था। तो बाबा ने ये कहा कि बच्ची मक्खन किससे बना, मैंने कहा बाबा दही से। दही किससे बना, दूध से। तो बाबा ने कहा जिसने अपना तन लगा दिया उसका धन कहाँ जाएगा, वो उसका धन तो ऑटोमेटिकली इसमें समाया हुआ है जो हमको दिखाई नहीं देता। बाहरी रूप से चाहे कोई कितना भी जो है वो कुछ धन लगा देता है, लेकिन जब तक तन से सेवा नहीं करता है, मन से सेवा नहीं करता है, तो धन की सेवा उसकी जो है वो सफल तो होती है लेकिन कितनी होती है वो परसेंटेज से। तो ये संकल्प जब बाबा ने मुझे दिया तो बहुत मुझे जो है एक प्रेरणादायी जो है वो संकल्प मिला कि मुझे अपने तन और मन से दिल से जो है वो बाबा की सेवा करनी है। तो आज भी मेरी 6 ईयर एज है लेकिन मुझे प्यार से सबको जो है वो भोग खिलाने का, खाना खिलाने का बहुत जैसे एक बल मिलता है, एक शक्ति मिलती है, और उन आत्माओं की दुआएं मिलती हैं जिनकी मैं सेवा दिल से करती हूँ। ना जाने वो उन आत्माओं की कैसी कैसी दुआएं होती है जो मुझे आज तक भी बहुत जो है वो आगे बढ़ा रही है। मेरे जीवन की धारणा है कि मेरा एक लक्ष्य था कि जो मैंने एक लक्ष्य लिया है कि मुझे अपने जीवन को सफल करना है, तो कैसे सफल करना है, जो नई नई युक्तियां मेरे को आती हैं, चाहे बाबा जो टचिंग देता है मैं उसी अनुसार चलती हूँ। मैं अपनी बहनों को भी यही कहती हूँ कि हमें जब बाबा के बच्चे बन गए हैं, इस समाज में आ गए हैं, तो हमें क्या करना है, हमें किसी को नहीं देखना है, हमें हमेशा बाबा को देखना है, दादियों को देखना है, जो हमारे आइडियल हैं उनको देखकर चलेंगे तो हमारा जीवन सफल होता जाएगा। बाबा जी ही कहते हैं कि बच्चे तुम सेवा को नहीं देखो, अपनी स्थिति को देखो। तुझे भी मेरी एक जीवन की धारणा है, मैं बहुत सेवा की तरफ जाती भी हूँ और साथ साथ जब मेरी स्थिति जो है वो न्यारी और प्यारी होती है, उपराम होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा के एक शब्द मुझे याद है, बाबा ने यही कहा था कि बच्चे मैं ये नहीं पूछूंगा तुम्हारी गीता पाठशाला कितनी है, ये नहीं पूछूंगा तुम्हारे स्टूडेंट कितने हैं, बाबा तुम्हारी स्थिति देखेगा। तो मुझे वो शब्द आज भी इतना प्रेरणा देता है, जब भी हम अव्यक्त वतन में जाएंगे, परम धाम में जाएंगे, घर वापस जाएंगे, तो बाबा हमारे से क्या पूछेगा।
ये जिज्ञासु भी हमारे साथ जाने वाले नहीं है, ये सेवाएं भी हमारे साथ जाने वाले नहीं है, मेरे साथ जाने वाली मेरी स्थिति है। तो उस स्थिति के ऊपर मुझे बहुत ध्यान रहता है और उस स्थिति को कैसे कायम रखना है मैं अटेंशन देती हूँ। मुझे बोलना कैसे है, मुझे देखना कैसे है, मुझे चलना कैसे है। तो मेरे जीवन की ये धारणा है, मेरा जीवन जो है वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो नेचुरल जीवन है। और उस नेचुरल जीवन से बहुत सारे भाई बहनों को जैसे प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा से भाई बहनों को मिलती है और उनकी दुआएं और उनकी खुशी जो है वो मुझे सुख और सुकून का अनुभव जो है करवाती है। तो पिछले 40 वर्षों में हमने दीदी से बहुत कुछ सीखा। जैसे हमने देखा कि अपने साथ छोटी बहनें सेवाओं में आती हैं, उनसे भूलें होती हैं या हमसे कभी कोई भूल होती है तो दीदी हमेशा क्षमा करती हैं और बहुत बड़ा दिल रख के हमें आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा देती हैं। कभी भी किसी पे क्रोध नहीं करती हैं, हालांकि खुद पे कई बार अनुभव होता है कि वो बहुत ज्यादा सहन करती हैं। बहन जी ने हमें हमेशा करके अपना कर्म करके हमें सिखाया है और भाई बहनों को कैसे बहुत प्यार से चलाना, चाहे कोई किसी भी स्वभाव संस्कार का हो, लेकिन कभी उनको गुस्सा नहीं करना या उनको कुछ गलत जवाब नहीं देना, ये हमने बहन जी से सीखा। और दीदी से मैंने ये सीखा कि बड़ों के साथ मना रिगार्ड देना है और छोटों को प्यार से चलना है। और आने वाली आत्मा जो भी इनके संपर्क में आती है तो बहुत ही दिव्य दृष्टि और दिव्य शक्ति का अनुभव करती है, जिससे आत्माएं बहुत संतुष्ट होके जाती हैं। दीदी हमारे बड़े फराग दिल हैं और दीदी कभी किसी की कमियां नहीं देखते हैं और वो कमियां कभी अपने चित पे नहीं रखते। दीदी सभी का बहुत सहयोग करते हैं और दीदी हमेशा सभी की बातें सुनते हुए अपने मन में समा लेते हैं। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको